इस मामले में जो कुछ हुआ है उसमें राजस्व विभाग की जो प्रशासन की जो भूमिका है वो संतोषप्रद नहीं है। इस मामले में चाहे कलेक्टर हो चाहे SDO हो, इन लोगों ने पीड़ित पक्ष के साथ न्याय नहीं किया है। बहुत आश्चर्य होता है मुझको कि अखबारों में सरकार छपा रही है कि 65 बीघा ज़मीन पर अतिक्रमण हटा दिया, ऐसा करके उन्होंने इसको एक्सपोज किया है अधिकारियों ने। पर मैं बड़ा आश्चर्यचकित हूँ कि बरसों से उस ज़मीन के ऊपर खेती हो रही है, रेवेन्यू रिकॉर्ड में भूमि स्वामी स्वत्व जो है दर्ज है, और सरकार का अब कहना है कि ये भूमि तो शासकीय है और खातेदार की ज़मीन जो है दूसरी जगह पर है, ऐसा उनका कहना। मुझे अजीब लगता है ये मामला कि अगर उस ज़मीन पर 50 साल से खेती हो रही है, हर साल पटवारी और गिरदावर मौका देखने के लिए गिरदावरी करने के लिए जाता है, तो उस पटवारी और गिरदावर ने इतने सालों पहले क्यों नहीं प्रकट किया कि ये जो ज़मीन है ये शासकीय है और जिस ज़मीन पर आप खेती कर रहे हो और जो ज़मीन आपकी है वो दूसरी जगह है। मैंने बड़ी अजीब बात है, सौर ऊर्जा के लिए ज़मीन की आवश्यकता पड़ती है और सौर ऊर्जा के लोगों को लगा कि इस ज़मीन की हमको आवश्यकता है, तो पटवारियों ने गिरदावर ने मिलकर के ये तय कर लिया कि ये ज़मीन तो शासकीय है और आपके खाते की ज़मीन कहीं दूसरी जगह है, इसको आप हटाओ। अतिक्रमण हटाने का ये जो तरीका है ये जंगल राज वाला तरीका है, माने ये दादागिरी वाला तरीका है। एक गरीब काश्तकार प्रशासन से निपट नहीं सकता है। आपके पास पुलिस है, आपके पास पटवारी है, तहसीलदार है, आप डरा सकते हो, धमका सकते हो, बंद करा सकते हो, कानून का आप दुरुपयोग कर सकते हो। इस मामले में जो कुछ प्रशासन ने किया है वो न्यायसंगत नहीं है, और एक आज़ाद देश में जिसमें लोकतंत्र है, लोकतंत्र में इस तरह की कार्रवाइयाँ नहीं की जा सकती है कि आप सामने वाले पक्ष को सुनो ही नहीं और उसका अतिक्रमण जाके हटा दो। भारतीय जनता पार्टी के लोग, माननीय मंत्री जी है ना, सौर ऊर्जा से जिनके प्लांट वालों से जिनके अच्छे संबंध है, वो खुश हो सकते हैं कि सौर ऊर्जा वालों ने देखा कि ये ज़मीन हमको पसंद आ गई है, आपने प्रशासन पर दबाव डाल करके वो ज़मीन उनको दिला दी, मगर ऐसा करके आपने काश्तकारों के साथ अच्छा नहीं किया। अगर यही अतिक्रमण भाजपा का होता तो न तो कलेक्टर साहब हटाने जाते, न SDO शिवानी गर्ग वहाँ जाती और न पटवारी और तहसीलदार जाते। कांग्रेस आगामी दिनों में किस तरह इसको मतलब करेंगे, उसका बालकिशन ने न्यायालय में दावा पेश कर रखा है और कोर्ट का सम्मंस जो है शासन को तामिल हो गया था, और शासन के लोगों ने इस बात की प्रतीक्षा नहीं करी कि न्यायालय से इस बात में कोई फैसला हो, क्योंकि उनको डर है कि न्यायालय से कभी स्टे हो जाएगा, तो इन्होंने ताबड़तोड़ जो है उसको हटा करके कब्जा कर लिया। अभी कोर्ट में कार्रवाई चल रही है।